हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये वोटिंग होगी। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सरकार की तरफ से आखिर क्या तैयारी की गई है? अच्छा, देखिए जिस तरीके से परसों जो हमला हुआ था श्रीनगर में, उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में 25 विधानसभा क्षेत्रों पर फैले हुए इन चुनावों में तकरीबन 7 लाख वोटर्स आज कश्मीर घाटी में वोट डालेंगे और सुरक्षा के जो व्यापक प्रबंध किए गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम इस समय श्रीनगर के हारवन इलाके में हैं, जहां पे हारवन 1 हारवन 2 में वोटिंग होनी है और यहां पे जो सुरक्षा कर्मी है चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि जो वोटिंग का समय सुबह 7 बजे रखा गया है, उससे लोग थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि जो पारा है वो लगातार 0 के नीचे जा रहा था। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही थी कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग रखी जाएगी, जिससे लोगों को आने में सहूलियत होगी। इसीलिए 7 बजे का समय हो गया है, लेकिन वोटर अभी नदारद ही हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगातार रात भर से तैनात हैं और ठंड के बावजूद भी जो सुरक्षा कर्मी और जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है मतदाताओं का कि वो कब आए और इन ऐतिहासिक चुनावों में वोट डाले, क्योंकि ये पहली बार है कि 73 साल में डीडीसी का गठन हुआ है और उसके लिए ये पहले चुनाव होने हैं और धारा 370 हटने के बाद होने वाले पहले चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो हमला श्रीनगर के HMT में हुआ था, जिसमें सेना के 2 जवान हमले में मारे गए थे, उसके बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और खास तौर पर दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में होने वाले चुनावों पर सुरक्षा का काफी बड़ा कवर रखा गया है और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी बुलाए गए हैं। तकरीबन 40 कंपनीज अतिरिक्त बुलाई गई हैं, ताकि जो चुनाव है वो सुचारू रूप से हो सके और सुरक्षित हो सके। अच्छा, आसिफ, चुनाव के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी आप हम लगातार तस्वीरों में भी देख रहे हैं, फिर भी दोपहर सिर्फ 2 बजे तक ही वोटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में तो शाम 4-5 बजे तक तो वोटिंग अमूमन होती ही है। शिखा, देखिए जो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वहां पे मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा होती है और चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं और यहाँ पे जो पंचायतों के वोटर लिस्ट हैं उसके हिसाब से वोटिंग डाली जानी है और केवल जो हर इलाके के हर जिले के जो विलेज यानी गांव के देहात के लोग हैं वही सिर्फ वोट कर रहे हैं और इसीलिए तकरीबन 34-35 हजार ही वोटर प्रति सीट पर पड़ते हैं। इसीलिए जो समय रखा गया है वो पंचायती चुनाव के तरीके से रखा गया था, क्योंकि पंचायतों के होने वाले चुनाव में भी 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ही चुनाव होते हैं और शाम होते होते उनके नतीजे भी आते थे। हालांकि इन चुनावों में जो नतीजे हैं वो 22 दिसंबर को आएंगे। मतदाताओं की संख्या को देखते हुए ये जो समय रखा गया है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे चुनाव समाप्त होगा, क्योंकि जो चुनाव होने हैं वो पंचायती वोटर लिस्ट पर होने हैं। इसीलिए जो मतदाताओं की संख्या है प्रति निर्वाचन क्षेत्र में देखे तो तकरीबन एवरेज 35 हजार पड़ती है और इसीलिए माना जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पर्याप्त है वोटर्स के लिए अपना मत का प्रयोग करने के लिए।